नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई से सामने आई बड़ी खबर, एक पिता पुत्र ने खुद को पंखे से बांधकर दे दी जान। मरने से पहले बाप बेटे ने लिखे नोट में सात लोगों को बताया जिम्मेदार, दो की हो चुकी है गिरफ्तारी। वसई से आज दोपहर में एक बड़ी अपराध की खबर सामने आई है। वसई पुलिस स्टेशन की हद में मूलगांव में रहने वाले 59 वर्षीय एडविन डिसोजा और 29 वर्षीय बेटे कुणाल डिसोजा ने अपने घर के पंखे से लटककर खुद की जान दे दी है। घटना कल रात और आज सुबह के बीच की है। मामले की जानकारी पर वसई पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए पिता पुत्र दोनों के शव को उतारकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कुणाल और उसके पिता एडविन डिसोजा पिछले लंबे समय से जमीन से जुड़े मामले को लेकर लगातार महसूल विभाग के चक्कर लगा रहे थे, जिस कारण दोनों बेहद दबाव में थे और आहत होकर दोनों पिता पुत्र ने इतना बड़ा कदम उठाया है। वसई पुलिस के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई कि मृतक पिता पुत्र के कपड़ों में दो अलग अलग नोट पुलिस को बरामद हुए, जिनकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। वसई पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत आंदले ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि कुणाल के पास मिले नोट में कुणाल ने चार लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया जाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। तो वहीं पिता एडविन ने अपने नोट में तीन लोगों के नाम का जिक्र करते हुए जमीनी विवाद में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। पिता पुत्र दोनों के नोट में कुल सात आरोपी के नाम सामने आए हैं, जिनमें से दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। ज्ञात हो कुणाल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता था। कई बार खुद के अपने जमीन के मामले और इतर मामले, जिनमें सड़क पर गड्ढे होना, पानी भरना आदि सामाजिक मुद्दों पर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करता रहता था। स्क्रीन पर चल रहा वीडियो भी ऐसा ही एक वीडियो है, जो कुणाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल मामला प्रथम स्टेज में है। पुलिस बारीकी से हर पहलुओं की जांच पड़ताल करते हुए जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी, ताकि दो निर्दोष लोगों को न्याय मिल सके, ऐसी उम्मीद सभी को है। वीडियो में आगे सुनिए वसई पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत आंदले को। अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पिता पुत्र ने खुद की जान दे दी, क्या है विषय, क्या मामला है? आज वसई सिटी के मुलगांव एरिया में पिता और पुत्र दोनों ने अपने खुद के घर में हॉल में जो सीलिंग फैन के हुक होते हैं उनको रस्सी से लटक कर दोनों ने सुसाइड किया है। इसमें दोनों ने अलग अलग सुसाइड नोट लिख के रखे। लड़के ने चार लोगों को ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर रहा हो ऐसा लिखा है। और जो पिताजी है उन्होंने जगह के मसले की वजह से जो लोगों ने हैरेस किया उनके नाम लिखकर सुसाइड किया है। सर, कुल कितने आरोपी बनाए गए हैं? अभी उसका तपास चालू है। फिर इस मामले में अब तक किसी की अरेस्ट हुआ है? दो लोगों को कब्जे में लिया है, उनको इन्वेस्टिगेट करके फिर अरेस्ट होगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।